हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोज। बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट कोड 2003 है, इंट्रोडक्शन टू द आईटी सिस्टम, इसकी इस लेक्चर सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन से और उसके डेवलपमेंट से, उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि होता क्या है। बेसिकली आज के ज़माने की जो नीड है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, टोटली है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स के द्वारा ही हम संचालित करते हैं। अब ऑटोमेटेड सिस्टम में जो इंक्लूड डिवाइसेस हैं वो मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं और डेस्कटॉप्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक रूप से कैसे बने थे, किस तरह से इनको डेवलप किया गया, आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसको बनने में और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए हम ये लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट की। बिफोर 1500 वो यूरोप के अंदर कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस यूज की जाती थी उसे हम एबेकस कहते हैं। एबेकस है वो इन्वेंट हुआ था 500 BC, अवेलेबल इन मैनी कल्चर, जैसे चाइना, मोसोपोटामिया या फिर जापान, ग्रीस, रोम, ये सारे जो हमारे कल्चर्स हैं, ये जो देश हैं, इनमें एबेकस यूज किया जाता था 500 BC में, बिफोर सेंचुरी, यानी हमारे जब साल स्टार्ट हुए उससे 500 साल पहले ये यूज कर चुके हैं हम इसको। ये जो डायग्राम है ये अबेकस है, इसमें क्या है, एक रोड्स लगी रहती हैं और ये इन रोड्स में छोटे छोटे ये बटन्स को यूज करते हुए कैलकुलेशंस का यूज करते थे हम। उसके बाद में 1642 में ब्लेज पास्कल ने, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, वो एक फिलोसफर भी था, उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया जिसे हम पास्कलाइन कहते हैं। उसके बाद में जो डेवलप हुआ ये पास्कलाइन का डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर के तौर पे। फिर गॉटफ्रेड वॉन लेमनीज ने, जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने 1671 के अंदर इस पास्कलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्क्वायर रूट के लिए भी स्टेप्ड रेक्टेंगल के तौर बनाया गया, इसमें मॉडिफिकेशन किया जो कि इस तरह से दिखता था। जो कंप्यूटर का ओरिजिनल ओरिजिनेशन है वो 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग भी कहते हैं, उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया जो कि इस तरह से दिखता था। और यह मशीन से ऑटोमेशन कंप्यूटेशन ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शंस जो कि मैथमेटिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के बेस्ड पे ये डिफरेंस इंजन बनाया गया था। और इसके अंदर अब से पहले जो भी कंप्यूटर हमने या कैलकुलेटर हमने देखे उनमें इंटरनल स्टोरेज नहीं था, इसमें कुछ इंटरनल स्टोरेज है वो बनाया गया। उसके बाद 1822 से 11 साल के बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही इनको मॉडिफाई करके एक एनालिटिकल इंजन बनाया गया जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी डेथ से कुछ समय पहले, और वो बना डेथ के बाद, उसको कंप्लीट किया गया बाद। ये जो है हमारा एनालिटिकल इंजन है जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो इस तरह से मैकेनिकल डिवाइस तक आने में, कैलकुलेटर से लेकर के मैकेनिकल डिवाइस और एनालिटिकल इंजन्स तक आ गए हैं, तो धीरे धीरे इनमें डेवलप होते गए और हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बन गया। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशंस क्या है, हम कंप्यूटर कहते हैं किसको है। कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है, पहले ये मैकेनिकल डिवाइस थी, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू विच वी कैन रीड द डेटा, स्टोर द डेटा इन मेमोरी, मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू यूजर डायरेक्शंस या इंट्रेक्शंस एंड गेट फाइनल आउटपुट एज ए रिजल्ट। इसका मतलब है कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि
डेटा को इनपुट लेती है और उन पे प्रोसेसिंग करती है, मैनिपुलेट करके यूजर की इंटरेक्शन और निर्देशों के द्वारा मैनिपुलेट करके आउटपुट हमें दे देती है। कंप्यूटर है वो मच मोर पावरफुल देन द फास्ट कैलकुलेटर। इट वर्क अपॉन इंफॉर्मेशन दैट कंसिस्ट द नंबर ऑफ वेल नोन न्यूमेरिक यानी अल्फाबेटिक डेटा। इट मीन्स ये है कि पहले जो कैलकुलेटर थे वो सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू पे बेस्ड थे, लेकिन जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यू दोनों एक्सेप्ट करता है डेटा की फॉर्म में और उन पे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करता है। उसके बाद में जैसा यूजर की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर को हम यूं कह सकते हैं कि इट इज ए फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा मैनिपुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द डेटा स्टोर इनटू देयर मेमोरी एंड प्रोसेस देम एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूजर इंटरेक्शंस। तो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा डेटा दिया जाता है उनको एक्सेप्ट करता है, रीड करता है और वो जो डेटा यूजर के द्वारा दिया जाता है वो डेटा मेमोरी में स्टोर करता है और यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग उस डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करके और यूजर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा कंप्यूटर डिवाइसेस है। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है जिसमें बेसिकली तीन पार्ट है, नंबर एक इनपुट, नंबर दो आउटपुट और ये नंबर जो तीसरा है इसे कहते हैं अपन सीपीयू। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू, तो बेसिकली ये तीन पार्ट होते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के जिसमें इनपुट है वो क्या काम करती है, आउटपुट क्या काम करती है। ये जो सीपीयू है इसके अंदर ये कुछ पार्ट्स हैं जैसे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, मेन मेमोरी, एक्जिलरी मेमोरी। इन सारों को अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन ब्रीफली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक यूजर है वो इनपुट डिवाइस को यूज करते हुए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा यूजर अपने डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है। ऐसी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती है और इन डिवाइसेस को यूज करते हुए यूजर अपना डेटा कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इंसर्ट करता है। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा यूजर है डिजायर्ड रिजल्ट को देख सकता है या फिर उसको प्रिंट कर सकता है या किसी फॉर्म में वो उसको जांच सकता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस है। इट मीन्स है कि आउटपुट डिवाइसेस इज ए डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन टेक द आउटपुट एज ए रिजल्ट ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग। अब हम सीपीयू को अगर कैरेक्टराइज करें तो सीपीयू क्या है, बेसिकली तीन पार्ट्स में बंटा हुआ है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेन मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट है बेसिकली सीपीयू है वो हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है और कंट्रोल यूनिट है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाती है। ब्रेन का मतलब जिस तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और इससे कनेक्टेड रहता है हमारा ब्रेन और वो सभी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है और सेंसेशन देता है। तो इट मींस ब्रेन का काम क्या है, कंट्रोल द ओवर होल बॉडी। इसी तरह से सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सारी डिवाइसेस को, जैसे चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स हो या फिर मेन मेमोरी हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, सो इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरी जो यूनिट है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे इनपुट डेटा में अगर होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल कोई इंटरेक्शंस अगर हमारे इनपुट डेटा में होती है तो कंट्रोल यूनिट है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हैंड ओवर कर देती है हमारा डेटा, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मेन मेमोरी का काम क्या है कि मेन मेमोरी है वो स्टोर करता है डेटा को। मीन्स ये है कि इट इज ए स्टोरेज ऑफ द डेटा, इट इज ए सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ ए डेटा। तो जब भी
यूज़र डेटा इनपुट करता है इनपुट के थ्रू, तो सबसे पहले ये जो मेन मेमोरी के साथ अटैच्ड एक हार्ड एरो के साथ है हमारा इनपुट डिवाइस, इट मीन्स ये है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन मेमोरी, और कंट्रोल यूनिट से ये डॉटेड लाइन के थ्रू कनेक्शन है मेन मेमोरी के साथ, तो ये कंट्रोल करता है उस डेटा को जो यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है। इट मीन्स कंट्रोल यूनिट है मेमोरी को निर्देश प्रदान करेगी कि वो यूजर के द्वारा डेटा को है वो सेव कर ले। उसके बाद कंट्रोल यूनिट वो चेक करती है उस डेटा में कि कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन उस एक्सप्रेशन या उस डेटा में है या नहीं है। अगर होता है तो कंट्रोल यूनिट ये निर्देश देती है मेन मेमोरी को कि वो ये डेटा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU को सौंप दे, और ALU उस पे अपना अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से मेमोरी में सेव कर देता है। जब भी यूजर इस रिजल्ट को आउटपुट के तौर पे देखना चाहता है तो यूजर है वो कंट्रोल यूनिट को निर्देश देता है कि वो हमारा रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइसेस पर शो कर दे। तो कंट्रोल यूनिट है वो डायरेक्टली भी शो कर सकती है इस डेटा को, और मेन मेमोरी को निर्देश दे करके डायरेक्टली आउटपुट भिजवा सकती है अपने आउटपुट डिवाइसेस को। एक्सिलरी जो स्टोरेज है वो सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि CPU से बाहर होता है। CPU का मतलब ये है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा CPU कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं नॉर्मल डेस्कटॉप में कि एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसमें सब कुछ लगा रहता है, तो वो हमारा CPU नहीं है। CPU है जो माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के कॉम्बिनेशंस को हम CPU कह रहे हैं। रेस्ट ऑफ जो पार्ट है उसमें अगर स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो वो एज एक्सिलरी स्टोरेज की तरह कंसिडर किया जाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि हमें ये बताता है कि कंप्यूटर इंटरनली किस तरह से काम करता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से उभर के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का रूप लिया उसने, और उसके बाद उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने किस तरह से डेटा को इनपुट किया है और किस तरह से आउटपुट लिया है हमने। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, डिस्प्ले, कीबोर्ड एंड माउस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल GPC हनुमानगढ़ for more videos and lecture series. Thank you again.